बांदा में दिल दहला देने वाला हत्याकांड। एक ही परिवार के चार सदस्यों की गला रेत कर हत्या। पति, गर्भवती पत्नी और दो बच्चों को बेरहमी से मार डाला। 6 साल की बच्ची को माना जा रहा है हत्याकांड का चश्मदीद। बांदा में लगातार हो रही हत्या की ताबड़तोड़ वारदातों की कड़ी में हत्यारों ने एक बड़ी वारदात को अंजाम देकर पूरे जिले में सनसनी फैला दी। बांदा मुख्यालय में ही हत्यारों ने एक परिवार के 4 सदस्यों को मौत के घाट उतार दिया, जिसमें एक गर्भवती महिला समेत 2 मासूम बच्चे भी शामिल हैं। सभी की धारदार हथियार से गला रेत कर हत्या कर हत्यारे फरार हो गए। तारीख 30 जनवरी 2018। जगह छोटा का पुरवा। जिला बांदा। उत्तर प्रदेश। इस जघन्य हत्याकांड को अंजाम बांदा मुख्यालय में कताई मिल रोड पर स्थित छोटा का पुरवा में दिया गया। महादेव यादव, उसकी पत्नी चुन्नी, 10 साल का बेटा पवन और 8 साल का बेटा राजकुमार की गला रेत कर हत्या कर दी गई। चारों की लाश उन्हीं के घर से बरामद हुई। मृतक के परिवार में सिर्फ 2 बच्चे ही हत्यारों के कहर से बच सके हैं, जिनमें एक 6 साल की बच्ची है, जिसे पुलिस ने अपनी कस्टडी में लेकर जांच शुरू कर दी है। मृतक के परिजन हत्या के बारे में कुछ भी बता नहीं पा रहे हैं, तो वहीं पुलिस इसे पारिवारिक विवाद में की गई वारदात की आशंका जता रही है। मृतक किसान था और दूध का कारोबार करता था। वहीं पुलिस पर भी लापरवाही का आरोप लगाते हुए मृतक के परिजनों ने जमकर हंगामा किया और काफी देर तक लाशों को ले जाने से रोके रखा। लड़का मारा वगैरह है। किसने मारा, जानकारी है? कौन से लड़ाई झगड़ा रहो है का? हमसे कोई लड़ाई न झगड़ा। तो को मार डालोगा है? सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारियों ने फॉरेंसिक टीम सहित मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की। हत्यारों तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। कोतवाली नगर क्षेत्र में कताई मिल के पास एक छोटा पुरवा है। यहाँ पे जैसा आप देख रहे हैं, एक ही परिवार के पति पत्नी और उनके 2 बच्चे हैं, उनकी हत्या हुई है। इसमें 2 बच्चे अभी उनके बचे हुए हैं, उनसे भी बातचीत हुई है। कुछ नाम आ गए हैं इसमें, इस पर हम लोग कर रहे हैं कार्रवाई, आगे उनकी गिरफ्तारी की। इसमें जो प्रथम दृष्टिया लगता है, कोई ना कोई पारिवारिक विवाद या किसी तरह का विवाद ऐसा है जिसकी वजह से ये हत्या हुई है। फॉरेंसिक टीम आ गई है, यहाँ पे डॉग स्क्वाड भी आ रहा है। टीमें हमारी दबिश के लिए गई हुई हैं, जिनके नाम प्रकाश में आ रहे हैं उनके लिए, और उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी कुछ घंटों में ही हम लोग कामयाबी इसमें प्राप्त। वहीं मृतक के परिजन और पड़ोसियों ने पुलिस पर घोर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया और हत्यारों की गिरफ्तारी होने तक शव पोस्टमार्टम के लिए देने से इनकार कर दिया था, जिस पर काफी देर हंगामा जारी रहा। लोगों का आरोप था कि पुलिस पूरी तरह निष्क्रिय है और रात्रि गश्त महज औपचारिकता, जिसके चलते आम आदमी सुरक्षित नहीं। मौके पर पहुंचे बांदा सांसद धरो प्रसाद मिश्रा ने किसी तरह परिजनों को समझाकर मामले को शांत किया। सांसद ने भी पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए मृतक के परिजनों को सुरक्षा मुहैया कराने और रात्रि गश्त के निर्देश दिए। साथ ही मामले को मुख्यमंत्री तक ले जाने का पीड़ित परिवार को आश्वासन दिया है। दरगम यहाँ पर हत्या कर दी गई है, तो मैं उधर यहाँ था, मैं आया हूँ और मैंने इसको देखा है गंभीरता से। निश्चित तौर से जो बातों चीतों से लग रहा है कि कहीं ना कहीं कोई रंजिश इनकी लगती है, लेकिन उसका जांच का विषय है, जांच होगा और जो जो भी चाहेंगे वो ढंग से कार्रवाई होगी। और बहुत ही विभत्स है, मैंने जो अनुभव किया है, मैंने प्रशासन को भी कहा है कि इनकी तत्कालिक सुरक्षा की व्यवस्था किया जाए और भविष्य की भी सुरक्षा, क्योंकि पिकट की सीमा होती है, आप पिकट डाल दोगे तो एक सीमा तक रहेगी, तो पिकट तो अभी डलवाई ही दीजिए, लेकिन आगे के लिए भविष्य सुरक्षा हो। और ऐसे क्षेत्रों में मतलब मैं मानता हूँ कि पुलिस बल संसाधन कम है, लेकिन फिर भी दूर दराज के क्षेत्रों में भी ठीक से रातकालीन गश्त ड्यूटी ये भी ठीक से होती रहना चाहिए। बांदा में हुए इस वारदात से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है।
पूरे परिवार का खात्मा आखिर किसने और क्यों किया, हर किसी के जहन में यही सवाल कौन रहा। अब देखना होगा कि पुलिस कब तक मामले का खुलासा करती है। गुनाह के लिए बांदा से राहुल द्विवेदी के। आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप ट्विटर पर भी हमें न्यूज इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर आप न्यूज इंडिया .NIMS UNI पर हमें लाइक कर सकते हैं।